अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरेलल ट्रेंड्स एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ पिक्सी बॉब और शॉर्ट टू लॉन्ग हेयर कट और हेयर शैनल के कलर्स। सो आई होप आपको ये कलर्स बहुत पसंद आएंगे। ये रेडिश मरून और ऑरेंज शेड्स हैं और एज़ यूजुअल ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। एंड ज़्यादातर ये वाले जो कलर के बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन होते हैं। आप चाहें तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको बाल डाई करवाने का बहुत शौक है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। दे आर लुक सो ब्यूटीफुल एंड सो ट्रेंडी राइट नाउ। तो अगर आपको भी डाई करवाने का शौक है तो आप करवा सकते हैं। इट्स फॉल और इट्स ऑटम राइट नाउ। सो इस मौसम में तो और भी ज़्यादा बेटर होगा कि हम अपने बालों को ऑरेंजेस या फिर रेड शेड में कन्वर्ट कर दें। कुछ लोग हिना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कलर्स प्रेफर करते हैं, बट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कलर कर सकते हो। और ना आप अपने सिंपल ब्लैक बालों में ही बहुत खूबसूरत लगते हो। अगर आपको वाकई कलर करना है, शौक़ है आपको, तो आप कर लो। इट्स टोटली अप टू यू। एंड कलर आप ऐसा लो जो कि कलर में वैसे तो केमिकल तो लाजमी होता ही है, बट कुछ कलर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक भी होते हैं, तो आप चाहो तो ऑर्गेनिक कलर्स की तरफ भी जा सकते हो। और काफ़ी अच्छी लास्टिंग भी होती है, बट आप कंफर्टेबल जिसमें हो वही यूज़ करना। अगर आप यूज़ करते आ रहे हो तो L'Oreal के भी बहुत अच्छे कलर्स होते हैं। एंड इसके अलावा भी ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे कलर्स को सूट करती हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। एंड आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है वीडियो। ज़रूरी नहीं कि आप रेडिश बाल ही करो, ये जस्ट इंस्पिरेशंस थी। कुछ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड थे और कुछ मुझे पर्सनली पसंद थे, तो सब कुछ आप लोगों के साथ इकट्ठा लेकर आई हूँ ताकि आप लोग सही से वॉच करके फिर ही सजेशंस को फॉलो कर सको। आप टोटली देख लो कि आपकी स्किन टोन कैसी है और आपको बकायदा वही कलर मिलेगा जो ऐसा लग रहा है बालों में या नहीं, या फिर आप अपने थोड़े से पीछे के अंदर वाले बालों को डाई करके ट्राई कर सकते हो कि आपके बालों पे कलर कैसा आ रहा है, ताकि जब आप उन कलर्स को अप्लाई करो अपने पूरे बालों पे तो आपके सारे बाल ख़राब ना हो। आप अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं उनके तो आपके अंदर वाले बालों पे हों। इससे ये होगा कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। और अगर आपका बाल हुआ भी जिस पर आपने ट्राई किया है तो इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूं, बट कभी कभी नहीं हो पाता, तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी डेली वीडियोस अपलोड करने लग जाऊं। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंशाल्लाह, सो यू कैन चेक आउट ईजिली। और ज़रूर चेकआउट करना, मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी है। एंड आई विल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बस तब तक आप इस वीडियो को एंड में वॉच कर लो। एंड ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आई होगी। आई होप मेरी भी बहुत काम आई है। मैं भी अपने बालों को डाई करने का सोच रहा हूँ, बट मेरे बाल ऑलरेडी ब्राउन है तो मुझे इतना नीड नहीं है। बट अगर आपके ब्लैक या फिर वाइट की तरफ हैं या गोल्डन है, यू कैन ट्राई इट। एंड दैट्स इट। एंड अगर आप आउटफिट्स पहनोगे इनके साथ तो आपकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। Bye and take care of yourself.